नरेंद्र भाई पुरोहित ने अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए यह सिद्धि विनायक मंदिर बनवाया है। हम भी आरती का दर्शन करेंगे तो आप भी घर बैठे आरती का दर्शन कर सकते हैं। गुजरात में आखो दुनिया नो मोटा में मोटू देवस्थान 6 महीना पछी बाधा पूर्ण थई सारू एवं रिजल्ट आप्यू एटले अमे सीधो साथियो बनावी ए घूमने के लिए आए थे और यह आका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा भी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी व्लॉगर पर। तो आज हम आए हैं श्री सिद्धिविनायक मंदिर अहमदाबाद, जो बहुत ही भव्य और उसकी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, इस मंदिर की बनावट ही पूरे गणपति के आकार में बनी हुई है। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर और भव्यता आप यहाँ दूर से ही इस मंदिर की देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर बाहर मूचक भी लगाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, और दूर से बहुत ही सुंदर गणपति जी का मंदिर दिख रहा है। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। मित्रों, इस मंदिर का निर्माण नरेंद्र भाई पुरोहित ने किया है। ये मंदिर 6 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। मित्रों, उनके माता जी की इच्छा थी, इनके लिए उन्होंने ये पे मंदिर बनाया है। तो आप देख सकते हैं पूरे गुफा के टाइप में मंदिर बनाया हुआ है। अब हम यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं आज शंकर चतुर्थी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ है। अभी हम लोग भी यहाँ पे लाइन में लग के आगे जाएंगे और आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो हम लोग फाइनली मंदिर में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं गणपति की मूर्ति बहुत ही आकर्षण और बढ़िया है। यहाँ की मूर्ति मुंबई में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में स्थित मूर्ति के हूबहू एक जैसी है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़, और मूर्ति के पास में एक मूषक राजा हैं, उनके कान में आप अपनी मनोकामनाएं कह सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर आरती चालू है तो हम भी आरती का दर्शन करेंगे, तो आप भी घर बैठे आरती का दर्शन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आ मंदिर की स्थापना 2014-15 में आश्रय कर आ मंदिर तरफ थी आ मंदिर में 12 महीना में लाखों प्रमाण में मणसों बदा श्रद्धाओ दर्शनार्थी दर्शन करवा आवे छे। अत्यारे आ रीतनु स्कैन करवानी पद्धति चाले छे, जेथी करीने लोको वधारे वधारे दर्शनों लाभ लई सके, घेर बैठा पण लई सके। अहींगा बाजू में बड़ी योजनाओं आपी छे, ए योजनाओं की घेर बैठा तैयारी करी सके। आ स्कैन करीने जे दर्शन करवानो व्हाट्सएप में पद्धति काढ़ी छे, वो कार्यालय नंबर पण आपवामां आवे छे, जेथी करीने तमे आ बधा योजनाओं प्रमाणे घेरथी बधी तैयारी करीने आवी सको छो। अमदावादथी लगभग 30 के 32 किलोमीटर अंतरे छे, नड़ियादथी लगभग 18 किलोमीटर अंतरे छे। आम आ देवस्थान गुजरातनुं नहीं आखो दुनियानुं मोटामां मोटू देवस्थान छे। जय गजान। मित्रों, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो यहाँ पर आप आके उदास साथिया बनाओ, फिर आपकी मान्यता रखो। अगर आप जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तब यहाँ आके आप सीधा साथिया बनाना होता है। पहला जी बाजार आखेली ते समय उल्टो साथियों करियो तो आज अमारी 6 महीना पछी बाधा पूर्ण थई सारू एवं रिजल्ट आप्यू एटले अमे सीधो साथियो बनावी दीधो। जॉब करते आज संडे था इसलिए मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, सिद्धिविनायक गणपति मंदिर। हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और ये आका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा भी है, और जो एरिया है बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।
यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है। हम आज संडे था, इसके लिए घूमने को आए थे। मंदिर दर्शन वगैरह सब अच्छा हुआ, यहाँ पे अच्छा है मंदिर। मित्रों, आपको यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग गणेश जी के भी दर्शन होंगे, जैसे श्रीलंका, नेपाल, ढाका, बांग्लादेश, काबुल, चीन, इंडोनेशिया के आदि देशों की गणपति जी के आकार यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे। मित्रों, आगे की जानकारी यहाँ के मंदिर के मेन पुजारी उनसे लेंगे। जय गजानन। यह जो सिद्धिविनायक मंदिर है नंदाबाद में, इसके निर्माण करने वाले श्री नरेंद्र भाई पुरोहित, उन्होंने उनकी जो माता जी जो थी वह गणपति जी की परम भक्त थी, और श्री नरेंद्र भाई पुरोहित ने अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए यह सिद्धिविनायक मंदिर बनवाया है। यह सिद्धिविनायक मंदिर में जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह बंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की हूबहू मूर्ति है। वहाँ स्वरूप छोटा है, यहाँ स्वरूप बड़ा है। यहाँ जो अखंड ज्योत लाया गया है वह भी बम्बई सिद्धिविनायक मंदिर से प्रज्वलित करके यहाँ लाके स्थापित किया गया है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की एक छोटी सी विशेषता भी है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं और अपनी बाधाएं यहाँ रखते हैं, और बहुत से लोगों की बाधाएं यहाँ पूरी रखते हैं। यहाँ बाधा रखने के लिए गेहूं से उल्टा साथिया बनाया जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह पुनः आके सीधा साथिया बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ लोगों की बाधाएं पूर्ण होती हैं। उनकी माता जी की जो इच्छा थी मंदिर बनवाने की, तो ऐसा कहा जाता है जहाँ सफ़ेद आंकड़े का जंगल हो या पेड़ हो, वहाँ गणपति जी का निवास माना गया है। तो बहुत जगह ढूंढने के बाद इस वासुदेव नदी के किनारे यह जो स्थान है, इसमें सफ़ेद आंकड़े का जंगल था। आज आप जो यह पेड़ देख रहे हैं, यह सफ़ेद आंकड़े का पेड़ होने की वजह से इस स्थान पे ही श्री सिद्धिविनायक मंदिर जी का निर्माण किया गया है। जय गजानन। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, जय महाराज, जय गणेश।